हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए दोस्तों, हमारे गार्डन में देखिए बहुत सुंदर तितली आई थी, चली गई। आए हैं छत पे कपड़ा फैलाने। ये है कतरन और ये सब प्लांट जो हम लगाए थे दोस्तों, धूप नहीं लगा ना नीचे, तो पूरा दो प्लांट ख़राब हो गया मेरा। ये देखिए तितलियाँ, जो हम गमले रंगते हैं दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि हम मार्केट से कलर लाके और गमलों को रंगे तभी हम, अगर रंग बिरंगी तितलियाँ आपके गार्डन में आ रही हैं दोस्तों ना, तो उससे अच्छा सुंदर गार्डन कोई नहीं है। ये समझ लीजिए, देख लीजिए, कलरफुल तितलियाँ आए गार्डन में, प्लांट अच्छा रहे। इतना इंसान गार्डनिंग करता है, थक जाता है, खुद ही कलर करने को तो मन नहीं करता। अगर आप प्लांट आपके हेल्दी हैं और सुंदर सुंदर तितलियाँ आ रही हैं आपके गार्डन में, तो ज़रूरी नहीं है कि अच्छे अच्छे कलर करेंगे, पॉट को बढ़िया बढ़िया रंगेंगे तभी हमारा गार्डन सुंदर लगेगा। तितलियों से अच्छा समझ लीजिए, जहाँ जिस गार्डन में तितलियाँ आ रही हैं, कीड़े मकोड़े हैं, ये सब प्रकृति की सब देन हैं। और चींटियाँ मान लीजिए बहुत ज़्यादा आपके गार्डन में हैं, तो उनको भी मत सोचिए कि हम पूरा हटा दें, उनको भी मत हटाइए, क्योंकि मिट्टी पर हमारा ही अधिकार नहीं है दोस्तों, उन लोगों का भी अधिकार है। और जो चींटियाँ होती हैं ना, वो मिट्टी को सही करती हैं, ख़राब नहीं करती हैं। इसलिए जो केमिकल हम लोग डालते हैं, केमिकल तो एकदम नहीं डाल के उनको, उन लोगों को मारना चाहिए। चलिए दिखाएं अंदर, जो हम रिपोर्टिंग किए थे उस दिन, अंदर जो काम किए थे। ये देखिए, यही प्लांट का रिपोर्टिंग किए थे, इसमें फ्लावरिंग आ रही है। अब चलिए सिंटेक्स का हाल दिखा दें, सब में मेरा खाद बन के तैयार है। गार्डन का हाल देख लीजिए मेरे। पहले नीचे हम ताला मार के आए हैं दोस्तों, बेटा भी छत पे पढ़ाई कर रहा है और कोई नहीं है। अभी कोई सामान वामान मान लीजिए लेने आएगा तो दौड़ के नीचे फिर जाना पड़ेगा। देखिए इसमें बहुत बीज हम डाले हैं दोस्तों, ये लौकी ओकी का बीज बाद में देखे डाले थे, और पालक का बीज हम बचा दिए हैं, बाद में छिड़केंगे। मूली देखिए, मूली बहुत ज़्यादा इसमें निकला है, पालक निकल रहा है। धनिया नहीं डाले हैं, बस पालक डाले हैं और बागला का बीज डाले हैं, लौकी डाले हैं। देखिए नेनुआ भी निकला है, और ये देखिए इधर सब प्लांट। यही मिट्टी मेरा बह रहा था दोस्तों, ये बहुत गढ़ू है, इसको हम अकेले नहीं हटा पाएंगे, ढक दिए हैं, अब मिट्टी नहीं बह रहा है। और ये प्लांट देखिए एकदम ख़राब हो गया था एकदम, और ये बेचारा तो उखाड़ किसी तरह से रखे हैं, हरा भरा है। हमारे प्लांट जैसे हम लोग जो प्लांट लगाते हैं दोस्तों, ये सब प्लांट इसमें तो ज़्यादा जैसे चिड़िया उड़िया नहीं आती है। और जो सर हम जो वीडियो देखते हैं आपसे बता रहे हैं, पीपल बाबा के नाम से है उनका चैनल, बहुत अच्छा बताते हैं प्रकृति के बारे में। वो तो कहते हैं कि जैसे आपके गार्डन में आम का पेड़ या जामुन का पेड़ कोई भी प्लांट उग गया है, तो आप उसको संभाल के रखे रहिए, और हम आपको नंबर बता रहे हैं, आप हमको फ़ोन कर दीजिए, उस प्लांट को हम अपना लेके आएंगे आपके यहाँ से और हम उसको लगाएंगे आपके नाम से। सोच लीजिए दोस्तों, ऐसे ऐसे भी लोग पड़े हैं कि वो खुद लगा रहे हैं, हरियाली कर रहे हैं, और बताते हैं कि हमारी ज़िंदगी जो है ना, पता नहीं कितना प्लांट बता रहे थे, इतना हम मरते दम तक हम प्लांट लगाएंगे। ऐसे ऐसे लोग हैं, तो हम लोग क्या गार्डनिंग करते हैं, हम लोग तो छत पे थोड़ा सा बस इधर उधर का प्लांट फ्लावरिंग वाला बस लगा रहे हैं ना। अब वो लोग सोच लीजिए, वो लगाते हैं, बताते हैं कि बच्चे उखाड़ कर लेके चले भी जाते हैं कितना प्लांट, फिर भी लगाते हैं और दो तीन साल तक उसका सेवा भी करते हैं प्लांट का। ये नहीं है कि हाँ लगा दिए फिर नहीं, उसका दो तीन साल तक उसका केयर करते हैं, पानी वानी डालना, देखना उसको। तो जो प्रकृति से प्रेम करता है दोस्तों ना, इसी तरह से करना चाहिए। आपके गार्डन में कोई भी प्लांट पीपल उपल का किसी चीज़ का भी निकल गया है, तो आप
नंबर वंबर जब आपको सब मिल रहा है, कोई दे रहा है, तो भाई उसको आप दे दीजिए प्लांट, वो अपना जाके लगा दें। अब इधर देखिए दीवार में कितना प्लांट लगा है ना, अब इसको हम निकाल के कहीं ना कहीं शिफ्ट कर लेंगे। अभी तो जैसे बरसात है ना, तो पानी बराबर मिल रहा है, तो वो हरा भरा है। अब मुझे जैसे नीचे हम काम करते हैं तो ऊपर मुझे टाइम नहीं मिलता आने का, तो हम पूरा अच्छे से नहीं काम कर पाते छत पे। अब यहाँ पर तो बैठ के सब काम करना पड़ेगा। इसमें देखिए पानी भी नहीं है एकदम। ये सब मेरा खाद है डिब्बे में पूरा संतरे के छिलके का। तो जो केयर कर रहा है भला उसे ही हम दे दें, तो वो कितने अच्छे से देखभाल करेगा, और मेरा नाम भी होगा कि हाँ इन लोगों ने ये हमको, ये प्लांट हमको इस महिला ने दिया या इस पुरुष ने दिया, जो भी देगा उसका कितना नाम होगा। जब वो इतना प्लांट लगा रहे हैं तो हम लोगों को भी सहयोग देना चाहिए दोस्तों। इसलिए कोई भी जैसे जामुन वामुन का प्लांट निकल गया है आपके गार्डन में, तो उसको फेंकिए मत, उनसे कांटेक्ट करके आप उनको अपना प्लांट दे सकते हैं। ये देखिए सब बरसात का पानी दोस्तों, सब देखिए इसमें कीड़े पड़ गए हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब पानी हम पौधों में डाल देंगे ना, सब अपने आप मर जाएंगे कीड़े। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा।